बाबा जी के जेल में बंद होने की खबर जब भक्त ने सुनी तो उसने क्या किया, जानने के लिए देखें पूरा वीडियो। राम राम दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर बाबा जी की कुछ चमत्कारी लीला लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। एक बार की बात है, लखनऊ के जमुनादत्त पांडे जी बाबा जी के परम भक्तों में से एक थे। हुआ यूँ, स्वभाव से सरल पांडे जी को एक दिन शाम के समय अपने किसी जानने वाले से खबर मिली कि बाबा जी महाराज एक जघन्य अपराध में फंसने के कारण बरेली जेल में बंद हैं। अपने एक विश्वसनीय आदमी के मुंह से ऐसी बात सुनकर पांडे जी बहुत ही ज़्यादा विकल अवस्था में जैसे तैसे घर पहुँचे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ, और वो कुछ समझ पाने की अवस्था में भी नहीं थे। उनकी मानसिक अवस्था शून्य तक जा पहुँची। बार बार जब वे इस घटना को याद करते तो उनकी आंखों से आंसू टप 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 बहने लगते और उनका मन बेचैन हो उठता। इसी वजह से वो अपनी शाम की पूजा अर्चना भी नहीं कर पाए और ना ही भोग प्रसाद बना पाए। अन्य घर वालों के पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि वो आज बीमार हैं, पर वो अपने पूज्य इष्ट बाबा जी के लिए सुनी हुई अनहोनी को किसी को नहीं बता पाए। रात भर वो बिस्तर में करवट बदलते रहे, मानो उनके दिल में किसी ने गहरी चोट कर आघात किया हो। इस घटना ने उनके बुद्धि विवेक को झकझोर कर रख दिया। लाख प्रयास करने पर भी उनका मन किसी भी बात को सुनने में न लग पाता। जब वे बहुत परेशान हो गए और उन्हें बिल्कुल भी नींद नहीं आई, तब वे उठकर बैठे और जाप करने लगे। पर फिर भी जब कोई आराम न मिला तो उन्होंने मन ही मन सोचा, अगर ये सब जो उन्होंने सुना है बाबा जी के लिए वो झूठ है, तो सुबह होने से पहले बाबा जी खुद आकर उन्हें दर्शन देंगे, अन्यथा नहीं। फिर दोबारा जाप करने लगे। फिर जब तब भी उनका मन नहीं लगा तो उन्होंने गजेंद्र मोक्ष स्तुति का पाठ प्रारंभ कर दिया। सुबह होने तक न जाने उन्होंने कितने पाठ कर डाले गजेंद्र मोक्ष स्तुति के। बाबा जी के न आने पर हताशा भी घेरे हुई थी। सुबह होने ही वाली थी तभी दरवाजे पर किसी ने आवाज़ लगाई, जमुना, ओ जमुना। उछलकर वे बाहर आए और हमेशा गंभीर रहने वाले पांडे जी बाबा जी को देखते ही खुशी से गदगद होकर उनके चरणों में लेट गए और भावपूर्ण आंसुओं से बाबा जी के चरण अपने आंसुओं से भिगो दिए। बाबा जी ने कहा, उठ जमुना उठ। उनके बार बार उठ उठ कहने पर भी दो तीन मिनट तक वो ऐसे ही उनके चरणों में पड़े रहे। तभी बाबा जी के साथ आए व्यक्ति ने बताया बाबा जी कानपुर जा रहे थे, पर आधे रास्ते में कहने लगे जमुना से मिलने चलते हैं। अपने भक्तों की आस्था विश्वास पर चोट बाबा जी कभी नहीं सह सकते थे, इसलिए जमुनादत्त पांडे की पुकार सुनकर वो दौड़े दौड़े उनके पास चले आए। कुछ समय रुककर चाय पी और फिर वहाँ से चले गए। तो दोस्तों, ऐसी लीलाएं थी नीम करौली बाबा जी की, और ये भी सब सत्य पर आधारित। पर हो सकता है आज के मानव को ये सब काल्पनिक लगे, पर कहते हैं जो भी सच्ची आस्था से बाबा जी को मानता है, उनका ध्यान करता है, वो खुद ब खुद बाबा जी के चमत्कारों को अनुभव कर पाता है। तो अगर आप भी बाबा जी के चमत्कारों को अनुभव करना चाहते हैं तो पहले उन्हें मानना जरूरी है। आशा करती हूँ बाबा जी की लीलाओं का ये भाग आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपको हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।